Welcome to India Magic, a show that presents to you the magic of our land and people. इस एपिसोड की शुरुआत होती है दक्षिण भारत में, where the India Magic crew take us on an exotic journey from the princely state of Mysore in Karnataka to the Madhumalai Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu. फिर चलते हैं स्नो लेपर्ड की खोज में in the Spiti district of Himachal Pradesh. और आखिर में चलते हैं मेघालय, जहां इंडिया मैजिक क्रू ने खासी ट्राइब्स के साथ कुछ जादुई पल बिताए. सो लेट द मैजिक बिगिन. इंडिया मैजिक में आपका स्वागत है. अ सेंटर ऑफ सैंडलवुड कार्विंग एंड इंसेंस प्रोडक्शन, माइसोर, द एर्स्टवाइल कैपिटल ऑफ द वडिया राजास, दक्षिण भारत का एक खास आकर्षण है. बचपन में एक बार मैं माइसोर गई थी, एंड आई स्टिल हैव इनडेलिबल मेमोरीज ऑफ अ क्विंट गुलमोहर शेडेड सिटी. माइसोर से कुछ ही दूर मोयर नदी के पार स्थित है द मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु. और मैसूर से यहाँ तक का सफर अकॉर्डिंग टू द इंडिया मैजिक क्रू वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर. सो लेट्स चेक इट आउट. इन स्पाइट ऑफ द स्पोरैडिक शावर्स, द ग्लिटरिंग डेकोरेशंस ऑफ द मैसूर पैलेस टोल्ड अस दैट आवर ब्रीफ स्टे हियर वाज गोइंग टू बी अ गुड वन. इस खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर का हर कोना जगमगा रहा था. साथ ही हमें सुबह का इंतजार था ताकि मैसूर पैलेस को एक अलग अंदाज में देख सके. एंड रिगार्डलेस टू मेंशन दैट इट वाज एन इक्वली स्पेक्टेकुलर साइट. महिषासुर दैत्य, जिसके कारण इस शहर का नाम मैसूर पड़ा, चामुंडी मंदिर के द्वार पर पहरा देता है. और दक्षिण भारत के बाकी मंदिरों की ही तरह ये मंदिर भी अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है. थोड़ी ही दूर पर विशाल नंदी की मूर्ति है, जो कि 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट दिस ह्यूज स्टैचू वाज मेड ऑफ वाइट स्टोन, बट ग्रेजुअली इट हैज लॉस्ट इट्स कलर. लेकिन इसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ा. When in Rome, do like the Romans do. When in the south of India, dress like the South Indians dress. And what better way to travel in South India than this? चाहे इसे वेश्टी कहें या धोती, traditional होने के साथ साथ ये बहुत comfortable है और यहाँ के उमस भरे मौसम के अनुकूल भी. Our next and final destination, Madhumalai Wildlife Sanctuary. वैसे तो मैसूर से मधुमलाई तक का सफर सिर्फ कुछ ही घंटों का है, लेकिन बहुत मजेदार और दिलचस्प. अगली सुबह
जंगल रिट्रीट के आसपास ऊंची पहाड़ियों पर बिखरे बादलों और घनी हरियाली ने हमारा स्वागत किया। वंस अ फेवरेट रिट्रीट एंड हंटिंग ग्राउंड फॉर द मैसूर महाराजास, मधुमलाई बिकेम अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ऑलमोस्ट 60 इयर्स अगो। 325 स्क्वायर किलोमीटर्स की ये सैंक्चुरी आज अपनी एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए मशहूर है। वैसे तो यहाँ कई किस्म की एनिमल लाइफ देखने को मिलती है, बट एलिफेंट्स आर अ स्पेशल अट्रैक्शन। हाथी का इंडियन माइथोलॉजी में एक खास स्थान है और हाथियों के एक झुंड को नेचुरल हैबिटेट में देखना एक अनूठा अनुभव। हमारा सफर अपने अंतिम पड़ाव पर था एंड एन एलिफेंट सफारी वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कंक्लूड। बट इट वॉज हार्ड टू इमेजिन दैट इन सम टाइम वील बी बैक इन अ कॉन्क्रीट जंगल। Lovely journey, wasn't it? अगर आप खासकर जानवर देखना चाहते हैं तो मधुमलाई के अलावा मैसूर के करीब तीन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेमली वायनाड, नागरहोले एंड बांदीपुर। दीज कलेक्टिवली कंप्राइज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लेकिन आपको याद रखना होगा, यू नीड टू बुक योर अकोमोडेशन वेल इन एडवांस फॉर अ मेमोरेबल ट्रिप। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है बैंगलोर। मैसूर इज वेल कनेक्टेड बाय ट्रेन। शताब्दी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन मैसूर एंड चेन्नई 6 डेज अ वीक। मैसूर के लिए कर्नाटका के सभी शहरों से बसें उपलब्ध हैं। मैसूर में ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्वालिटी इन सदर्न स्टार। सितंबर अक्टूबर में होने वाला दशहरा फेस्टिवल यहाँ का खास अट्रैक्शन है। मैसूर का मौसम प्लेजेंट रहता है, लेकिन मधुमलाई में ठंड पड़ सकती है। The Spiti district of Himachal Pradesh is known for its rugged terrain of high altitude deserts and bleak but beautiful landscape. Lekin bahut kam log jante hain ki yahan ek wildlife sanctuary bhi hai, the Pin Valley National Park, one of the highest in the world. Yahan bahut sare janwar paaye jate hain, but the most elusive is the magnificent snow leopard. Its secretive behavior coupled with the tough terrain makes it very hard to spot. To chalte hain India Magic crew ke saath to the land of the snow leopard. दूर तक फैली पहाड़ियां, ट्रांस हिमालय के अद्भुत नजारे और हर तरफ कोल्ड डेजर्ट का एहसास। दिस इज द मूनलैंड कॉल्ड स्पीति। Are camping in Pin Valley. With its superb high climbs and vast valleys, it's home to one of the most elusive creatures, the snow leopard. पिनवैली नेशनल पार्क कई एक्सोटिक और खूबसूरत हिमालयन वाइल्डलाइफ के लिए मशहूर है। वन कैन सी भारल, ब्लू शीप, गोल्डन वल्चर्स, लेकिन जो हमें यहाँ खींच लाया वो है स्नो लेपर्ड।
स्पीति वैली अपने आप में एक नेशनल पार्क से कम नहीं और सादगी भरा जीवन बिताते यहाँ के लोग हैं इस खूबसूरत वैली के रक्षक। ग्रे घोस्ट, रॉक लेपर्ड जैसे नामों से मशहूर स्नो लेपर्ड इज बिलीव टू हैव द एबिलिटी टू डिसअपीयर। दुर्गम पहाड़ियों में रहने वाला पेल ग्रे स्नो लेपर्ड इज परफेक्टली कैमोफ्लैज्ड विद इट्स सराउंडिंग्स। इसीलिए इसे देख पाना बहुत मुश्किल है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। रात के समय शिकार करने वाला यह जानवर शिकार के वक्त बड़ी चालाकी और सावधानी से काम करता है। सर्दियों में स्नो लेपर्ड बर्फ से ढकी पहाड़ियों से अपने शिकार का पीछा करते हुए नीचे आ जाता है। We are moving towards the higher reaches now. These snow fields are home to the magnificent snow leopard during the summer months. हमें हर पल यह एहसास हो रहा था कि वो अद्भुत जीव यहीं कहीं आसपास है, लेकिन हमें सिर्फ उसके निशान ही नजर आए। स्नो लेपर्ड इज इन डेंजर टुडे। हिमालयन वाइल्ड लाइफ को हो रहे नुकसान और हंटिंग की वजह से इसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए दार्जिलिंग में इसकी ब्रीडिंग की जा रही है और यहीं इसे हमने नजदीक से देखा। अपने कैंप वापस जाते समय हमें इस बात की खुशी थी कि हम स्नो लेपर्ड को नजदीक से समझ सके, लेकिन साथ ही इसे अपने नेचुरल हैबिटेट में न देख पाने का अफसोस भी था। The snow leopard, absolutely awesome, but sadly these exotic creatures are almost extinct. कुछ साल पहले जब मैं दार्जिलिंग गई थी, मैंने वहाँ का स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम देखा। I was completely enamored by these gorgeous creatures. So let's hope this breeding program is successful ताकि स्नो लेपर्ड्स की संख्या बढ़े and they can be rehabilitated in their natural environment. दिल्ली से शिमला और मनाली के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है कालका, विच इज वेल कनेक्टेड टू दिल्ली। शिमला और मनाली से प्राइवेट टैक्सीज एंड जीप्स अवेलेबल। बेस्ट स्टेइंग ऑप्शंस आर होटल किन्नर विला एंड टिम्बरलाइन कैंप्स एट कालका। उसके अलावा काजा में कुछ होटल और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस भी हैं। स्नो लेपर्ड इज एन हाईली एंडेंजर्ड एनिमल। स्नो लेपर्ड लद्दाख से सिक्किम तक हिमालय में 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। हाय, यू आर वाचिंग इंडिया मैजिक। 1972 में असम के एक हिस्से से बना था भारत का सबसे छोटा प्रांत मेघालय, द लैंड ऑफ द रेन क्लाउड्स। यहाँ तीन मेन हिल ट्राइब्स रहते हैं, द गारोज, द जैंतियाज एंड द खासीज। द खासीज मे बी रिलेटेड टू द मुंडाज ऑफ सेंट्रल इंडिया, बट देयर ओरिजिन्स गो बैक टू साउथर्न चाइना। फैसिनेटिंग, इजंट इट? तो चलते हैं इंडिया मैजिक क्रू के साथ फॉर अ टेस्ट ऑफ खासी मैजिक। People with a rich cultural heritage, known for their unique social and religious practices. Geet Sangeet ki dhunon par thirakte Khasis, the pride of the Northeast. मेघालय में धुंध में छिपे पहाड़ों, बहती नदियों और ग्रीन मेडोज से सजी खासी हिल्स आर होम टू द मॉन खेमेर खासीज, हु आर नोन टू बी रिलेटेड टू द शांस ऑफ बर्मा। अपने पूर्वजों की याद में बनाए गए मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स आर वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ खासी विलेजेस। Khasi dharm ko manne wali Khasis are the only Austro-Asiatic tribe in the Northeast.
Khasi tribes are truly a matriarchal society, जो मुझे गांव की महिलाओं से बात करके साफ समझ में आया। The most remarkable feature of the Khasis is their sacred groves, एक restricted area जिसे ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं। सेक्रेट ग्रूव्स में एंटर करने से पहले खासी प्रीस्ट अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। खासीज मानते हैं कि इन सेक्रेट ग्रूव्स में उनके पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं एंड दीज होली स्पिरिट्स प्रोटेक्ट देम। The head priest is communicating with the spirits of the forest. ये सेक्रेट ग्रूव का सेंटर है जहां कभी पूर्वजों को खुश करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। सेक्रेट ग्रूव्स के ट्रेडिशन ने खासी हिल्स के वेजिटेशन, प्लांट्स, ट्रीज और सारे एनवायरनमेंट को बरकरार रखने में मदद की है। इट्स नाउ टाइम फॉर आर्चरी, द प्रिंसिपल गेम ऑफ द खासीज। आर्चरी कॉम्पिटिशन खासी विलेजेस की मुख्य एक्टिविटी है। निशाने के पक्के खासी मानते हैं कि आर्चरी ओरिजिनेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन व्हेन खासी ईव टॉट दिस आर्ट टू हर सन्स। Khasis are people of rich culture and rituals. They love to sing and dance. मौका कोई भी हो, अपनी traditional costumes और jewelry को पहनकर नाचना और गाना खासीस को बहुत भाता है। खासी संगीत की धुनों के बीच शाम ढलने लगी है। It has been a wonderful day for me. खासीज को नजदीक से देखकर मैंने पाया कि हम शहरी लोग इन ट्राइबल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Throughout the world, tribal people have maintained close and harmonious relationships with their environment. They have used natural resources without destroying them, unlike modern man. जिस तरह खासीज ने अपने सेक्रेट ग्रोव्स की रक्षा की है, is truly admirable. हम इनकी प्राचीन परंपरा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुवाहाटी के लिए इंडियन एयरलाइंस एंड जेट एयरवेज की डेली फ्लाइट्स हैं। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। गुवाहाटी से शिलोंग और चेरापुंजी जाने के लिए प्राइवेट और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें उपलब्ध हैं। रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है होटल पोलो टावर्स। खासी ट्राइब्स आर फेमस फॉर देयर ट्राइबल ज्वेलरी एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। खासीज अपने आर्चरी गेम्स के लिए भी जाने जाते हैं। मैजिकल इंडिया, इसकी खूबसूरती इसके जंगलों, पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तान में बसी है। यहीं से चलता है इसका जादू। एंड इफ यू वांट दिस मैजिक टू कीप टचिंग आवर स्पिरिट्स, वी मस्ट टेक रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट।
Hi, I'm Rahul Khanna. To preserve and protect the magic of India, we all need to conserve water. Turning the tap off while you shave, brush your teeth and shower helps save water. I try and do it, so should you. And I hope we can all do our little bit to make the big difference. See you again next week with another magical episode of India Magic. Till then, this is Anu Malhotra signing off. Goodbye.